हेलो हाँ सर मैं आइए बाहर है गेट के पास तुम आएगा जी। इनके जो है यूनिफॉर्म्स मैंने आयरन कर दिए हैं, ये सात का है, ये सिद्रा का है और ये खदीजा का है। खदीजा का वाइट ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अभी कल नया लेकर आई है परसों, और सिद्रा का वही है। और सात की पैंट छोटी हो गई थी तो सात ने पैंट ली है। ये आयरन हो चुके हैं, अभी मैंने इनके कोट निकालने हैं और जाना है नाश्ता बनाने के लिए। साथ रहिएगा। अच्छा तो उसको तो उसके तो बड़े बाल है ना, आपके तो अभी जाके थोड़े थोड़े बड़े हुए। कटिंग करवा ली उसने? उसने भी हेयर कटिंग करवाई है, उसके भी मेरी तरह सारे बाहर निकल रहे होते हैं। अच्छा चलो शाबाश, इतने अच्छे बाल बने आज आपके। मैं देख क्या? नहीं पहले कोट पहनो खदीजा, जल्दी करो, आप ही लेट हो जाओगी फिर। आज कल ना टीचर्स को लगा सिद्रा ना छोटी बच्ची है, वो ज्यादा छोटे बच्चे वेट कर रहे थे ना अपने पेरेंट्स वगैरह जो भी चीज है उनका वेट कर रहे थे, तो सिद्रा को भी उधर वेट करवाने के लिए खड़ा दिया। अच्छा तो छोटी बच्ची तो ये मिली डोल? नहीं नहीं के साथ। अच्छा इधर देखो सिद्रा, इधर देखो सामने आओ। वन के भी नहीं, प्री स्कूल के बच्चों के साथ खड़ा दिया था। आज सलाम नहीं बोला आपने? सलाम नहीं बोला ना। बोलो आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन करना, प्रेस करना जी। और सिद्रा जो है ना सबसे पहले रेडी हो चुकी है, सिद्रा ने शूज भी पहन लिए, सिद्रा ने बाल भी बनवा लिए और कोट भी पहन लिया। आप सिर्फ बैग उठाना है और जाना है। सबसे पहले रेडी होती मेरी डॉल, बैग भी रेडी हो गया, बैग भी रेडी हो गया। आप ही के अभी बाल बन रहे हैं और भैया भी रेडी हो गए। हाँ ड्राइनेस की वजह से सर्दी हो गई। जनाब बच्चे रेडी हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा अभी तक अंधेरा है और धुंध भी है और बहुत ही खूबसूरत ठंडी हवाएं आ रही हैं। सर्दी की सुबह है और यह है कि 7 बजे इनकी वैन आती है जो कि अभी आपको यहाँ सामने गेट के पास ये जो है यहाँ पे आके खड़ी होती है। बच्चे नीचे जाते हैं लेकिन जब वेकेशन 15 दिन पहले जब बच्चे 7 बजे नीचे जाते थे तो अच्छी खासी रोशनी होती थी और आज अभी तक अंधेरा हो रहा है। तो अब ज़ाहिर टाइमिंग जो है स्कूल की इसको फॉलो तो करना है। एनीवेज जो है बहुत ही खूबसूरत सुबह और बहुत ही खूबसूरत व्यू मैंने आपसे शेयर किया। अभी मैं देखती हूँ बच्चों को, इनको भेजना है नीचे। साथ थोड़ा सा लोशन आप भी लगा लो, ज़्यादा निकल जाता है, थोड़ा सा निकालना। किस चीज का पाउच? वो उधर आपने मैंने पाउच देखा था। अच्छा पहनो कोट पहनो, दे टाइम हो गया, चले आ जाओ साथ, बैग पहनो। स्टेशनरी का पाउच देखा था और वो एक ही जगह एक थी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट में था। अच्छा देखूंगी दिला दूंगी, चलो साथ। तो मैंने ले लिया ना, अभी नेक्स्ट सेशन में लेना जो भी लेना। एक सेकंड अपना बैग पैक कर लूं, ग्राउंड दबा हुआ ना फिर ऊपर चली जाएगी। चलो आ रही हूँ अभी जाके जो है ना थोड़ी थोड़ी रोशनी आना स्टार्ट हुई है। पैसे दे दिए आपके पाउच में डाल दिए मैंने। रोते नहीं बस बेबी बस। चलो 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 अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत होंगे, जा रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें। एक हफ्ते के बाद मैं आज निकली हूँ घर से, मैं जा रही हूँ ऑफिस। लास्ट टाइम जब मैं गई थी केमोथेरेपी डोज के लिए फ्राइडे को, और उसके बाद सैटरडे संडे आया, कल मंडे, कल बच्चों का फर्स्ट डे था, स्कूल जाना था, मैट ने छुट्टी की थी तो ज़ाहिर है बच्चों को वापस आना था और उनके लिए लंच वगैरह, तो मैं कल कहीं नहीं निकली। आज जा रही हूँ ऑफिस, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, धूप बिल्कुल नहीं निकली है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और इसके अलावा जो है ICP जाना है, ऑफिस जाना है, और उसके बाद की जो भी छोटी मोटी रूटीन होगी वो आपसे शेयर होगी। मेरा स्टॉप आ चुका है तो सांस खुल गई मेरी घर से यहाँ तक चलने में, साथ रहिएगा।
अच्छा, हमारे जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है अहमद साहब, माशाल्लाह उन्होंने जो है अभी रिसेंटली उमरा किया है और कल ऑफ़िस ज्वाइन किया है। तो आज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से हेड ऑफ़िस गई, उनके लिए बुके ख़रीदा और उनको जाके मुबारकबाद दी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है उमरा अदा किया है अपनी फैमिली के साथ। तो मेरा बनता था कि मैं जाके उनको जो है वो मुबारकबाद दूँ, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ के जो बाकी कोलीग्स हैं उनसे भी मुलाकात हुई और दिन बहुत अच्छा रहा। अभी हूँ मैं ऑफ़िस में और ये है मेरे पास चाय, और चाय के अलावा मैंने मंगवाए हैं ये बिस्किट, क्यों जबकि मैं सुबह नाश्ता कर चुकी हूँ, जूस भी पी चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज जो है भूख लग रही है और कुछ खाने का भी चाह रहा था। तो वैसे बिस्किट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती, लेकिन चूँकि भूख लगी है इसलिए। और ये लाए भी हाफ फोल है, मुझे पता है मुझे 2 से 3 खा सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खा सकती। खैर कोई बात नहीं, शेयरिंग हो जाएगी, दूसरों को दे कोलीग्स को दे देंगे। मसला क्या हुआ साथ होमवर्क का थोड़ा सा मिला है बस, वो क्या कहते हैं उर्दू के अल्फाज मैंने करने हैं, वो भी थोड़ी देर में कर लूँगा। अभी छोड़ो, रखो ना लैपटॉप को। हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर में रखता हूँ, बस 1 सेकेंड। आज जो है इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई थी, और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मेरी आवाज़ से, मेरी आँखों से। तो बस बच्चे स्कूल से वापस आए, उसके बाद उनका होमवर्क वगैरह देखा, खाना वगैरह बनाया दिया। मैट मेरे पास नहीं है, तो अभी ये है कि छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा इतना शूट नहीं कर सकी। आज के लिए इतना ही, मैं अभी बिल्कुल भी कंडीशन ठीक नहीं थी, बच्चों को अभी भी सुलाया है। फिर मुझे याद आया कि जो भी है जितनी भी है मुझे इसको एडिट करना है, अपलोड करनी है, तो आज जाते जाते आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ बोल दूँ। और कल का ये है कि कल हॉस्पिटल जाना है, OPD में मेडिसिन लिखवानी है और डेट लेनी है नेक्स्ट डोज़ की। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।